फिर कैसे पता चलता है कि वही आपका सोलमेट है? हाँ? कीड़ा मेट। अब सोलमेट मतलब, एक सेकंड जरा गूगल कर। हाँ, सोलमेट मतलब कि वही आपका जोड़ीदार, आपका हम सफर, आपका जिगरी जानवर। बताएं। ओ पुत्र, ऐस मजबून दा तू पेपर देना है कल जाके। बताए ना, देखिए अपने ना बड़ों से नसीहत में इस बातें पूछती रहनी चाहिए, कोई शाय वाय नहीं फील करना चाहिए। अच्छा तो फिर सुन, प्यार के ना 10 स्टेज होते, यानी 10 स्टेज ऑफ लव। ठीक, पहला स्टेज वो जो भी मुंडा है ना, आंखें बंद करके उसका चेहरा सामने लिया, आया कि नहीं? नहीं, मुझे तो धुंधला धुंधला नेरा नेरा सा नजर आ रहा है। अच्छा स्टेज नंबर टू? स्टेज नंबर टू, हाथ मुंह धो के ते नहा धो के मुंडे दे पीछे पै जा। तू ओदे पीछे पै जा ते ओ तेरे पीछे पै जाए। और स्टेज नंबर थ्री? वो जो ख्वाबो ख्यालों में आए, जिसके नाम से दिल तड़के, हर पासे वो ही नजर आए, किताबों बिना लुक लुक के उसका नाम अपने नाम के साथ लिख लिख के दिल में लड्डू फूटे। चट बट वेरी डिस्टेस्टफुल। अच्छा फिर और फिर की सारे मरले अपने आप तय हो जाते ने, हैं? बंदा अंधा हो जाता है, आंखों पे पट्टी पड़ जाती है, कभी इधर टक्कर मारता है, कभी उधर टक्कर मारता है, दिल जोर जोर से धड़कता है, टीसां उठती हैं दिलों में, बस की कमा पुत्र, अन्नी पै जाती है हर पासे। अन्नी तो वैसे ही जट की जिंदगी में पहली बड़ी मच्छी हुई है, बस इस बार ना जरा फूंक के कदम रखना होगा। वैसे ना फर्स्ट स्टेज ऑफ लव से ट्राई करती हूँ, दादी का तजुर्बा तो बड़ा है, क्या पता कुछ फीलिंग जागे।